एक एज वक्ट स्पार्टन सब सहायक का सा अच्छा होगा जगह। जब भी आप गेम ओपन कर रहे होंगे तो आपका ये वाला नोटिस देखने को मिल रहा लिखा हुआ 1.1 अपडेट अनाउंसमेंट। तो बेसिकली हुआ है कि कुछ भी नया वर्जन आता है तो उसमें बहुत सारा बग्स तो आता ही है, तो बहुत सारा मेजर बग को आज बहुत ही जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, मुझे नहीं पता। बट आप देख पाए डेट दिया हुआ, डियर प्लेयर अ हॉट फिक्स विल बी परफॉर्म ऑन 24 नवंबर टू इम्प्रूव प्लेयर गेमिंग एक्सपीरियंस बाय फिक्सिंग बग्स एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस एंड थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये लोग कहना चाहते हैं कि आज 24 नवंबर को एक बग फिक्स अपडेट आपको देखने को मिल सकता है कभी भी गेम के अंदर, उसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ ये 1.1 में जो बग्स आया है नया नया उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। क्या क्या बग फिक्स होने वाला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट बग फिक्स एंड इम्प्रूवमेंट, फिक्स अ बग डेट कॉज एन एरर विद द टेक्स्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रॉम्प्ट व्हेन चेंजिंग अ सर्वर। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता, मैंने इसको फेस नहीं किया। अगर आप सर्वर चेंज करते हैं तो जो प्रॉम्प्ट आता है वो शायद सही से काम नहीं कर रहा, उसको फिक्स कर दिया जाएगा ये अपडेट के बाद। उसके बाद आप देखो सेकेंड जो बग है उसमें लिखा हुआ फिक्स अ बग डेट कॉज मैच रिजल्ट ऑफ अ टीम मेंबर टू नॉट बी कैलकुलेटेड इन देयर रेस्पेक्टिव सर्वर वन द प्लेयर फ्रॉम अ डिफरेंट सर्वर टीम अप। तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया था एक वीडियो में कि अगर आपका फ्रेंड दूसरा सर्वर से खेल रहा है और वो लीडर रहता तो उसका सर्वर में ही मतलब आप खेल सकते हैं, बट जो रिजल्ट होता है वो अपने सर्वर में जहाँ आप सेट के उसमें कैलकुलेट होता है। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपको सही से जानना है तो मैं वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें हो रहा था एक्चुअली ये कि बंदा जो दूसरा सर्वर में खेल रहा था उसका जो रिजल्ट है प्लस माइनस वो सही से कैलकुलेट नहीं हो रहा था अपने रेस्पेक्टिव सर्वर में। मान लो आपका फ्रेंड एशिया से खेल रहा है और उसके साथ आप खेल रहे, बट जब आप मैच कंप्लीट करके आ रहे तो आपका जो करंट सर्वर है, जैसे मान लो मेरा यूरोप में सेट है बट फ्रेंड के चलते एशिया में खेल रहा हूँ, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो यूरोप में सही से कैलकुलेट होना चाहिए, तो वो सही से हो नहीं रहा था, उसको फिक्स कर दिया जाएगा ये अपडेट के साथ। उसके साथ आप देख पा रहे तीसरा वाला पॉइंट में लिखा हुआ फिक्स अ बग दैट स्टॉप प्लेयर फ्रॉम ऑटोमेटिकली स्विचिंग टू एन आर्म्ड स्टेटस व्हेन दे एग्जिट अ स्टेशन इन मेट्रो थीम क्लासिक इरेंगल मैप। तो जैसे कि आपको पता होगा हम लोग का जो नया क्लासिक इरेंगल मैप में मेट्रो थीम एक मोड है जहां आप स्टेशन में जब स्विच इन करते हैं या स्विच आउट करते हैं तो आपके हाथ में गन प्रीलोडेड नहीं रहता, वो गन पीछे रहता है जिससे एनिमी आराम से आपको मार देता है, तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे आप स्टेशन से बाहर आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में गन दे देगा, ठीक है। ज़्यादातर जो बग है वो मेट्रो रॉयल मोड में है जो कि मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, आप जाके पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ, फिक्स सम टेक्स्ट एरर एंड ट्रांसलेशन एरर। तो कुछ कुछ जगह में जो फॉन्ट है वो सही से दिख नहीं रहा पबजी मोबाइल का गेम के अंदर, और कहीं कहीं चाइनीज़ में लिखा हुआ उसको फिक्स कर दिया जाएगा, वो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। ये एक पैच हॉट फिक्स अपडेट होने वाला। उसके साथ साथ पबजी मोबाइल कल रात को अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ये मेंशन किए कि आपके पास लास्ट चांस है कि आप अपना जो सर्वर है उसको अगर गलती से देखें 10 MB का अपडेट आ गया, मुझे पता भी नहीं था, बट जैसे कि आप देख पा रहे ये इसको मैं हटाया तो ये फिक्स अपडेट भी आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे 10.5 का एक अपडेट आया है। तो गाइस आपने देखा कि अपडेट हो चुका था, अपडेट में क्या क्या फिक्स हुआ तो मैं आपको बता दिया। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये कुछ आया है हम लोग के डिस्कॉर्ड में ये चीज़, तो ये चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। ऐसे बोला जा रहा है कि कुछ किसी बंदर लोग का गलती से जो सर्वर चेंज हुआ उन लोग को हम लोग लास्ट चांस दे रहे हैं जिससे आप वापस सर्वर को चेंज कर सकते हैं अपने करेंट सर मतलब रीजन में। बट ये जो नोटिस है इंडियन प्लेयर के लिए नहीं काम आने वाला, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। इसमें बोला ये जा रहा है कि December 1st के पहले आप कस्टमर सपोर्ट्स को बोलिए कि हम लोग का जो सर्वर है उसको वापस से चेंज कर देने के लिए, वो फिक्स कर देगा। जैसे कि आपको पता होगा मैं वीडियो का चलते यूरोप में अपना सर्वर किया था और मैं सोचा कि चलो अगर चांस है तो हम लोग एशिया में कर लेते, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 60 दिन के बाद एशिया कर लूँगा, बट मैं एक ट्राई दिया था। बट आप देख पा रहे क्या रिप्लाई आया। तो अगर आप इंडिया से देख रहे हैं सर्वर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास अभी कोई तरीका नहीं है। पबजी में इंडियन वर्जन अगर आ जाता है 1 दिसंबर के पहले तो आप ये चीज़ कर सकते, नहीं तो आपको 60 दिन का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि कल मैं रात को ये सब लिख के भेजा था बट आप देख पा रहे रिप्लाई में वही नोटिस आ रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेयर का कुछ भी अभी सपोर्ट नहीं मिलने वाला टेंशन का, क्योंकि ये हैंडल में आ रहा था ना, तो इंडियन प्लेयर का कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो हम लोग इंडियन वर्जन आएगा उसमें हम लोग को इंडियन प्लेयर लोग को सपोर्ट मिलेगा। तो आई होप आपको आंसर तो मिल गया होगा। होप करते हैं 1 दिसंबर का पहले हम लोग का गेम आ जाए इंडियन वर्जन, से हम लोग अपना सर्वर को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।